देखा ना महेंद्र भाऊ, देखा? इसे कहते हैं आपले दांत आणि आपले तोंड। क्या क्या क्या? ये हमारे मराठी में कहावत है, मतलब कभी कभी हमारे जो अपने होते हैं वो ही हमारा नुकसान करवाते हैं। तो मराठी में है ना कहावत को मणि बोलते हैं, मणि। देखा मराठी का ट्यूशन लेने बैठ गए। क्या, क्या, क्या करूं, मेरा दिमाग चकरा रहा है केशव। अन्ना साहब, आपको बाकायदा प्लान करके ठगा गया है। आपके किसी बड़े दुश्मन ने आपको दगा दिया है। 30 दिन पहले की डेट पे प्रभाकर से साइन करवाई गई, लेकिन नोटिस कल रात को चिपकाई गई आपकी दुकान पे। क्या? ताकि लीज मैंने उसे रोका, क्योंकि आपने रोका? आपने क्यों रोका महेंद्र भाऊ मेरी बेचारी बहन को? मेरी बेचारी वो उर्मिला बहन हम सबको चेतावनी देना चाहती थी, तो इन्होंने देने नहीं दी। लापरवाह। अच्छा, मतलब ये भी मेरा कसूर? और नहीं तो क्या। अरे हम लोग बैठ के कोई हाल बिल निकालते थे कि नहीं? हाँ। अब तो आएगी अन्ना, सरकार आएगी बुलडोजर लेके और हमारी दुकान तोड़ देगी। सही कहा आपने प्रभाकर दादा। प्रभाकर नालायक, ऐसा बोलता है तू हमारी दुकान के बारे में? नहीं नहीं अन्ना, मैं यहाँ ऐसे लेट जाऊंगा, मेरी लास्ट पे से गुजर के जाना होगा दुकान तोड़ने के लिए। तो वो तो गुजरेंगे। मंजे बुलडोजर आप पे चलेगा तो पहले आप गुजरेंगे, उसके बाद आपके ऊपर से वो गुजरेंगे दुकान तोड़ने के लिए। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस गोखले बंधु बाकड़वड़ी पे? 2 दिन के अंदर तुम्हारी ये दुकान जब्त करके तुम्हारा धंधा ना चौपट कर दिया तो नाम बदल देना पेंट से। ये सारी साजिश उस नेता पेंट से की है। वो मैं भी समझ गया अभिषेक, लेकिन उसके लिए अन्ना को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है बाड़ा। अभिषेक, अरे अन्ना ने अपने सिद्धांतों की रक्षा के खातिर वो पेंट से के साथ झगड़ा किया। हाँ बाड़ा, ऐसे पागल और संकी नहीं है हमारे अन्ना कि किसी के साथ भी पंगा ले। तू ऐसा सोचता है मेरे बारे में अभिषेक? नहीं अन्ना। वेरी गुड वेरी गुड अन्ना। तू इतना आराम से बैठ क्या गया प्रभाकर? वो मेरी जगह अभिषेक को आटे में लिया ना केशव ने। इतना अच्छा लग रहा है ना? देखा अन्ना, देखा देखा, चैन की सांस लेने बैठ गए। उठ नालायक उठ, माठा है स्मार्ट। यहाँ हम सबकी सांस अटक गई है और तू चैन की सांस लेने बैठ गया। अरे अरे हाँ अन्ना सर, शांत रहिए। मैं शांति हूँ महेंद्र भाऊ, मेरी ये दुकान, ये माँ है मेरी और मेरी पहचान है ये दुकान। अगर तरफ से अपनी दुकान को काटूं मैं, टेढ़ा ये टेढ़ा, फिर सरकार को बोलूंगा जाओ रखो अपनी जमीन, मैं दुकान लेके जाता हूँ। ऐसे सिर पे उठाऊ दुकान को और घर घर घूमू, बाकरवड़ी ले लो बाकरवड़ी ले लो, चिवड़ा ले लो चिवड़ा, पेड़ा ले लो। टेढ़ा है ये टेढ़ा। तेरे अन्ना को सीधी तरह से बात करनी ही नहीं है ना? तो राम राम। हाँ तो राम राम। अन्ना क्या राम राम, उनके पास एक रास्ता है। अरे महेंद्र भाव, अरे महेंद्र भाव रुके रुके, महेंद्र भाव, महेंद्र भाव बताइए ना रास्ता। आप टेढ़ी बात नहीं करेंगे? नहीं नहीं कभी नहीं करूंगा। अरे ए केशव नालायक इधर आ, केशव की कसम। सुनिए आप सब लोग, तू भी आ इधर। मैं? मुझे बुलाया? नहीं नहीं, महेंद्र भाव तो ऋत्विक रोशन को बुला रहे थे। वो यहाँ आकर डांस करने वाला है ना? क्या है ना, वो हमारा मनोरंजन करेगा तो भी तो हमारा मन हल्का होगा। वो डांस कर ऐसे। क्या हुआ, क्या टाइम पास चल रहा है? सब ठीक? सब मस्त है। ठीक है। हाँ नोटिस पढ़ी आपने? हाँ हाँ मस्त है ना।
एकदम मस्त। मैंने तो कल रात को ही पढ़ ली थी। अब दुकान जाएगी। हाँ हाँ, आप डांटिए, गुस्सा करना है गुस्सा कीजिए, वरना आपको चैन नहीं मिलेगा ना। दो मिनट लगेंगे। टेक योर टाइम। गाढ़वा नालायक, पिछले जन्म के दुश्मन, सारा कसूर तेरा है। अरे अगर तुझे पता था, तूने नोटिस कल पढ़ ली थी, तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? हाँ, मैंने बोला था, मैंने कल रात को ही बोला था, देखो देखो ये देखो। तो केशव दादा बोले, जा जाके घर जाके बच्चों से कहानी सुन। अच्छा, तो फिर तो सारा कसूर तेरा है केशव। हाँ। नहीं नहीं अन्ना, साइन करके लोचा तो इन्होंने मारा है। अरे हाँ, सारा कसूर तेरा है प्रभाकर। ओफो, किसका कसूर है उसको लेके आप लोग खो खो क्या खेल रहे हैं? हाँ। यहाँ देखिए। हाँ। अन्ना साहब, यहाँ आइए। एक बिनती थी आपसे। जी बोलिए। ये अमोल को आप लेके जाइए ना अपने साथ में। हाँ चलो चलो। अरे नहीं नहीं, फ्री में देता हूँ, साथ में प्रभाकर भी फ्री, बस। आप मेरी बात सुनिए। इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि क्या है ना, हम अगर फ्री में देते हैं ना, फिर और ये हमारा सिद्धांत और ना हमारा गोखले बंधु। हाँ? कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं है। बाप रे, अभी रोने की नौबत आई और मुझे हंसी आ रही। अन्ना साहब, अन्ना साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये देखिए ज्योत्सना आंटी, जिस कानून के तहत उस पेंसे ने लीज रेन्यू कराने की नोटिस दी है ना, उसी का... लेकिन उसने चालबाजी करके तब नोटिस दी जब उसे रिन्यू करवाने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। हाँ वो हमें पता है बेन, और वो भी रविवार, जब रजिस्ट्रेशन की ऑफिस बंद होती है। उर्मिला वैनी। हाँ हाँ भाई हाँ, वो सबको पता है। अभी इस बात का रट्टा मारना है क्या हम लोगों को बैठ के? हाँ, परीक्षा में नहीं आने वाला है ये प्रश्न के बोलो जो पेंसे साहब ने कब नोटिस मारी थी। चलो अभी दूसरा सवाल, रजिस्ट्रेशन की ऑफिस कौन से दिन पे बंद होती है? रविवार। आजो। मम्मी तालो को ने जोने, अभी सब लोग मुंगा रहे जो के सिर्फ गायत्री बोलेगी। बोल बेटा। ये इसी कानून का बायलॉ है जिसमें एक लूप होल है, और इसी लूप होल की मदद से हम उस फ्रॉड पेंसे के साथ नहले पे दहला खेल सकते हैं। कैसे? अन्ना सर, ये 25 लाख का चेक आप रख लीजिए। इसका क्या करूं मैं? आप इस चेक को लेके, हाँ आप ये चेक लेके एक गोखले बंधु मुझे बेच दीजिए। मैं शांत हूँ, मैं एकदम शांत हूँ। मैं भी शांत ही हूँ। मैं तो कब से शांत हूँ? और मैं तो शांत हूँ ही, मैं शांत ही हूँ। अन्ना साहब, आप इस दुकान की गुडविल, गोखले बंधु का ट्रेडमार्क और पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दीजिए, तो मैं तो नड़ जाऊंगा सरकारी अथॉरिटी के साथ कि अब ये दुकान मेरी है, और ऐसा जुगाड़ करूंगा कि मुझे 30 दिन की नोटिस फिर से देनी पड़ेगी सरकार को। नहीं, कानून के हिसाब से अगर दुकान की गुडविल और ट्रेडमार्क बिक जाता है तो दुकान के नए मालिक को 30 दिन की फ्रेश नोटिस देना आवश्यक बन जाता है सरकार के लिए। तो जैसे ही मुझे नोटिस मिल जाएगी, 30 दिन के अंदर मैं लीज रिन्यू करवा लूंगा, और उसके बाद आपकी गोखले बंधु आपको वापस भेज दूंगा, और आप मेरा ये 25 लाख का चेक मुझे वापस दे देना। ये कौन सा नया कानून ले आया महेंद्र भाऊ? अरे जब जमीन हमारी है ही नहीं तो हम दुकान बेच कैसे सकते? तू बहरा है क्या?
मैंने जमीन की बात की, जमीन की बात की। अन्ना साहब, मैं मानता हूँ कि ये जुगाड़ है, लेकिन ये जुगाड़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा समय मिल जाए। अरे लेकिन गप्पा बस, केशव गप्पा बस। महेंद्र भाऊ, अब जरा ध्यान देना। हाँ देखना, मतलब अब बुरा मानना। बुरा मत मानना। नहीं नहीं, बुरा मानना, क्योंकि अभी मैं आपकी भरपूर बुराई करने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।